Well, Pierre, all of this is still in the realm of speculation. Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party have definitely leveled that very serious threat to the Congress and the BJP that if they do not support their pet project, which is a very strong anti-graft legislation, they will walk out of the assembly. They will make sure that the Delhi government falls. But neither the Congress or the BJP, tactically speaking at this point in time, would want the government to fall, because the chances of an Aam Aadmi Party-led government being elected in a full majority, if elections do happen coinciding with the Lok Sabha elections, is very high. Mr. Khan, so sorry to interrupt you. I understand Manish Sisodia is speaking in the House. Listen in. विधानसभा के भवन में जिस तरह के तरीके बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनाते रहे हैं, माइक तोड़ना, कागज फाड़ के फेंकना, महिलाओं का अपमान करना, चूड़ियां कर करके, तो इन सब से तरीकों की बात तो ये इनके लिए बेईमानी है, ये किस मुंह से तरीके की बात करते हैं। लेकिन एक एलजी साहब का पूरा एलजी साहब के मैसेज का पूरा सम्मान करते हुए स्पीकर साहब ने आज रखा, और उसके बाद जहाँ तक मेरी सूचना है कि उन्होंने ये व्यवस्था दी कि एलजी साहब के मैसेज को सदन में रखने के बाद उन्होंने व्यवस्था दी है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कि बिल को पेश किया जाए। तो ये एलजी स्पीकर साहब का अधिकार है। अगर के बाद सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी मनीष, तो क्या सरकार सेशन एक्सटेंड कराएगी? अगर सेशन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है तो क्या सरकार तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। अगर मनीष जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। जिस तरीके से अगर ये वोटिंग की बात कर रहे हैं मनीष जी, अब मनीष जी बाद में बिल के इंट्रोडक्शन पर ये वोटिंग की बात कर रहे हैं, विपक्ष वोटिंग की बात कर रहा है लगातार, बिल के इंट्रोडक्शन पे विपक्ष वोटिंग की बात कर रहा है, आप चर्चा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल के इंट्रोडक्शन पे चर्चा और वोटिंग दोनों हो सकती है, दोनों कर सकते हैं। अगर बिल होगा मनीष जी, जो सबसे बड़ा एक दो बिल आपने कहा था कि असेंबली में दोनों को कोशिश करेंगे सेशन में, क्या स्वराज जी सेशन में टेबल किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो कोशिश करेंगे कल हो, लेकिन अगर वोटिंग होती है तो मनीष